गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले ट्रीडेंट लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 30 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहां पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 6% की गिरावट देखने को मिली है, एक महीने में 4% की तेजी देखने को मिल रही है, 3 महीने में 7% के करीबन की रैली देखने को मिली है, परंतु 6 महीने में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1 साल के अंदर 31% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आ रहा है 43 रुपीज। 43 रुपीज के स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिलेगा जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25 रुपीज। 25 रुपीज से स्टॉक में एक लो बना और यहीं से स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 30 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 39 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।